सी और यूजफुल सी चीज है, वो देख लेते हैं। छोटी सी चीज के एक प्लेटफॉर्म है रेड बबल के नाम से, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने के लिए। और आप ऐसे कह लें कि आप एक ही चीज से बार बार मुझे आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज का इश्यू है क्लास सर? यस सर, काफी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। जी सर, जी सर। अब बताइएगा आवाज का ठीक है? अब बेहतर है? यस सर। मैं ये क्या जनरेट सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर भी आप अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो बड़े इजीली। काम वही करना है आपको यहाँ पर भी जो आप कर रहे थे अपना ग्राफिक रिवर के ऊपर, ठीक है, या आप अपना क्रिएटिव मार्केट के ऊपर, ठीक। अब क्रिएटिव मार्केट, और मैं यहाँ पर आपको साथ में दिखाई देता हूँ कि क्रिएटिव मार्केट एंड दूसरी हमारे पास थी ग्राफिक रिवर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर भी ये हो रहा था कि आप अपने बनाए हुए टेम्पलेट्स जो है वो सेल आउट कर सकते हो। ग्राफिक के अंदर अगर हम बात करें तो आइकन्स, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, वेब के एलिमेंट्स, इलस्ट्रेटर के कुछ पैटर्न्स, टेक्सचर्स, फॉन्ट्स वगैरह अगर आपने कुछ बनाए हैं वो आप सेल आउट कर सकते हो। अगर आपने टेम्पलेट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे ये देखें फ्लायर्स के टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें इसकी ग्राफिक रिवर की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास आइकन्स एंड सो ऑन चीज़ें हैं। यहाँ से मैं फूड मेन्यूज़ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ अब ये कलरफुल ईस्टर एग हंटर फ्लायर है, $8 में सेल आउट हो रहा है। कोई भी आकर इसको $8 में जो है वो परचेज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें 20 कॉरपोरेट फ्लायर डबल साइडेड, 20 डबल साइडेड कॉरपोरेट यानी कि किसी बिजनेस के फ्लायर्स हैं, $19 में सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आप ये क्लीनिंग सर्विस का अगर जो पोस्टर है अगर आप वो देखें तो $8 में जो है वो सेल हो रहा है। और यहाँ पर ये देखें इनका कॉरपोरेट बिजनेस फ्लायर्स के पूरा पैकेज है, 500+ कॉरपोरेट बिजनेस में जो है वो सेल आउट हो रहा है। अगर इसको मैं ओपन करूँ तो हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख पाएंगे कि ये कितनी दफ़ा सेल हुआ है। शायद मैं उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तब हमें डिटेल्स जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है। लॉगिन नहीं हुई इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपने टेम्पलेट्स बनाकर, लोगोज बनाकर जो है वो सेल आउट कर सकते हो क्रिएटिव मार्केट के ऊपर एंड ग्राफिक रिवर के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें हमने मेन्यू जो कार्ड्स हैं, मेन्यू आइटम्स हैं वो हमने ओपन किए हैं, ठीक है। देखें कैफ़े का मेन्यू है, कॉकटेल मेन्यू, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें ये रेस्टोरेंट, ये अगर आप देखें रेस्टोरेंट मेन्यू $7 में है, 42 सेल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं इसकी, यानी कि 42 आप 7 से मल्टीप्लाई करो तो ऑलमोस्ट $280, ठीक है। सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई है, आवाज तो क्लियर आ रही है लेकिन मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन मैं एक दफा दोबारा से शेयर कर देता हूँ, आप देखिएगा। जी सर अब शो हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये हमने जो फूड मेन्यू आइटम्स या मेन्यूज हमने जो ओपन किए थे वो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप देखें जैसे स्टेशनरी थी, ब्राउशर्स थे, बिजनेस कार्ड्स थे,
जो कि सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें अभी बिजनेस कार्ड्स हैं सेल आउट हो रहे हैं, ठीक। ये देखें सेल पे लगा हुआ है, $2 के अंदर 3 सेल्स हो चुकी हैं इसकी, 9 सेल्स हो चुकी हैं इस कार्ड की, ठीक है। इसकी इस कार्ड की 309 सेल्स हो चुकी हैं, देखें 309। और इस सिंपल से कार्ड की कितनी सेल्स हो चुकी हैं जी, 611। और अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलमोस्ट $3600 यानी कि $3600 जो है वो इनकम बनती है। अब ये देखें तीनों के साथ कंपेटिबल है, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब इन डिज़ाइन, तीनों के अंदर उसने उस बंदे ने सेम डिज़ाइन जो है वो किया है और आपको तीनों प्लेटफॉर्म करवाए हैं। आप तीनों के अंदर ये सेम डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, तीनों के साथ कंपेटिबल होगा ये, ठीक है। फोटोशॉप में बना लो, इलस्ट्रेटर में बना लो, इन डिज़ाइन में बना लो, ठीक है। और आप भी इस तरह से जो है वो सेल आउट कर सकते हो। ये देखें सी एम वाई के है, फोटोशॉप की पी एस डी फाइल है, इन डिज़ाइन की फाइल है, वैक्टर ई पी एस ए आई फाइल है, ठीक है। फॉन्ट्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो सेंसेशन और बेबस न्यू यूज़ किए हैं, ठीक। तो ये दो वेबसाइट्स आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दिया था, आज अगेन इसको बेशक देख लें आप लोग। हीरो इमेजेस आप सेल आउट कर सकते हो, बेतहाशा चीज़ें आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अपनी फॉन्ट्स अगर आप बना लो तो वो आप सेल कर सकते हो। ये देखें ये जो कनेक्ट फॉन्ट है लोगोज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पोर्टर फॉन्ट, ये लोग सेल आउट कर रहे हैं और लोग परचेज़ करते हैं फॉन्ट्स वगैरह यहाँ से, ठीक है। आप भी फॉन्ट्स अगर आपको बनाने आते हो तो आप सेल आउट कर सकते हो अपने। यहाँ पर और डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जब आप इनको थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे थोड़ा सा आप देखेंगे कि वेब के एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पर, 404 पेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखें 404 पेज जो डिजाइन जी, ये मैंने कभी बनाए नहीं फॉन्ट्स, देख लेंगे इसको भी, कोई इतना मुश्किल नहीं है फॉन्ट्स भी क्रिएट करना, ठीक है। ये देखें ये पेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस या 404 पेजेस, ये सारे भी जो है वो सेल आउट हो रहे हैं, ठीक है। और 167 सेल्स हुई हैं इसकी, ये देखें, ये देखें, अब ये इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे डिजाइन हुआ हुआ पेज जो है ना, ठीक है। तो आप ये बेतहाशा चीजें ग्राफिक रिवर पर आप देख लें, यहाँ पर आप सेल आउट कर लें, यहाँ पर क्रिएटिव मार्केट के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर आकर आपको बेतहाशा ये टेम्पलेट्स और हर चीज़ लोगोज़ वगैरह मैगजीन स्टेशनरी बेतहाशा चीज़ें मिलेंगी। ये देखें और ये हैंड ड्रॉन लोगोज़ हैं, 50 हैं, $22 के अंदर सेल आउट हो रहे हैं। ये विंटेज लोगोज़ हैं कुछ $29 के अंदर। अब ये देखें सोफिस्टिकेटेड बीबी लोगो, ठीक है, और यहाँ पर रूटेड लोगो आ रहा है, यहाँ पर ये देखें बिग फिक्स आ रहा है। तो जो आपके माइंड में आइडिया आता है आप उसको बनाएं, आप उसको सेल आउट करें। प्राइसेस आप अपनी मर्ज़ी की रखेंगे यहाँ पर, जस्ट आपको वन टाइम एफर्ट करनी है और उसके ऊपर अपलोड कर देने हैं, एंड देन जो है आपके अगर वो अप्रूव करके अपने पास रख लेते हैं तो जब भी कोई पर्सन उसको ख़रीदेगा आपको उसमें से जो आपने प्राइस रखी होगी उसमें से कुछ परसेंटेज जो है ये मार्केट वाले रख लेंगे, चाहे वो ग्राफिक रिवर वाले हों चाहे क्रिएटिव मार्केट वाले हों, और बाकी अमाउंट आपको वो दे देंगे, ठीक है। इसकी फीसिस आप लोगों ने चेक कर लेनी है कि कितनी फीस ये डिडक्ट करेंगे या कितने परसेंटेज ये चार्ज करेंगे, ठीक। तो जिस तरह ये दो वेबसाइट्स हैं क्रिएटिव मार्केट और ग्राफिक रिवर, इसी तरह एक थर्ड प्लेटफॉर्म है आपके पास रेड बबल के नाम से, यहाँ पर भी आप अपनी पसंद की चीज़ें जो आप बनाते हैं उनको सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग आकर जो है चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी कि लोग आएंगे, लोग मास्क ख़रीदेंगे, स्टिकर्स ख़रीदेंगे, टी शर्ट्स ख़रीदेंगे, तो आपका डिज़ाइन अगर उनको पसंद आता है किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो क्या करेंगे, आपका डिज़ाइन उसके ऊपर जो है वो प्रिंट करके दे देंगे और आपको आपके डिज़ाइन के जो है वो पैसे मिलेंगे, ठीक है, जो आपने डिज़ाइन किया होगा। लेट से मैं कुछ भी क्लॉथिंग की अगर अंदर मैं बात करूं टी शर्ट्स की, तो मैंने कोई टी शर्ट डिज़ाइन की, कोई टी शर्ट का डिज़ाइन मैंने लगाया, जैसे अब ये देखें ये सिंपल सिंपल डिज़ाइन है और ये आपने अगर बनाया, ठीक है, ये कोडिंग वाला है बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखें, ठीक है, और आपने कोई डिज़ाइन बनाया उसको आपने अपलोड किया, जब भी उस डिज़ाइन की कोई टी शर्ट ख़रीदेगा
तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा आपके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि वो डिज़ाइन जो होगा ऊपर वो आपका होगा। तो आपने यहाँ पर अपने डिज़ाइन जो हैं वो बना कर रखने होते हैं, आपके डिज़ाइन लोग जो है वो अपना फ़ोन केसेस के ऊपर ख़रीद सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये डिज़ाइन हुए हैं, ये देखें फ़ोन्स के ऊपर, ये आप बना सकते हैं, ये आप सेल आउट कर सकते हैं। आप उसके बाद बेतहाशा इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं जो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सेल आउट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको जस्ट इसके ऊपर साइन अप करना है, साइन अप करें और अपना जो डिज़ाइन है उसको बेचें। जब भी कोई पर्सन आकर ख़रीदेगा, चाहे वो फ़ोन केस ख़रीदता है, वो टी शर्ट ख़रीदता है, वो कुछ भी ख़रीदता है, तो आपको क्या मिलेगा, उस पर कमीशन मिलेगा, क्योंकि उस पर जो डिज़ाइन यूज़ हुआ होगा वो आपका होगा। तो अब इसमें सिनेरियो ये होता है कि आप क्या करें, आप जो ये तीनों मार्केट्स आपको बताइए, आप तीनों मार्केट्स के ऊपर अपना अपना अकाउंट क्रिएट करें, टाइम टू टाइम अपना डिज़ाइन क्रिएट करें और अपलोड करें, छोड़ दें। ये एक आप ऐसे कह लें कि पैसिव इनकम है, कि जब भी कोई ख़रीदेगा आपकी इनकम में जो है वो इजाफा होता रहेगा। आपको बार बार तो कुछ नहीं करना, बार बार उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं करना। अगर उसको आपका डिज़ाइन पसंद आता है तो डेफिनेटली वो ख़रीद लेगा और आपको उसके ऊपर जो आपके जो हिस्सा बनता है, जो आपका कट बनता है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे मज़े की बात जो है वो ये है कि तीनों पायनियर को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास पायनियर का अकाउंट है तो आप पायनियर के थ्रू जो है वो विड्रा करवा सकते हो इससे, चाहे आप रेड बबल से विड्रा करवाओ पायनियर के थ्रू, आप चाहो तो क्रिएटिव मार्केट के थ्रू, चाहो तो ग्राफिक रिवर के ऊपर अगर आप काम करें उसके थ्रू, तो बेतहाशा आप डॉलर्स जो है वो अर्न कर सकते हो। शर्त यह है कि आप जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो टाइम की, क्योंकि इसमें आपके सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है और आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, ना इस प्लेटफॉर्म ने कुछ आपसे चार्जेस लेने हैं, ना ग्राफिक रिवर ने लेने हैं, ना क्रिएटिव मार्केट ने आपसे कुछ चार्जेस लेने हैं, चार्जेस इन्होंने आपसे कुछ नहीं लेने। आपका क्या है, आपकी सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करके अपने डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं और डिज़ाइंस को आपने सेल के लिए जो है वो पब्लिश करना है, दैट्स इट। और आपका कोई इतना ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। हाँ, एक चीज़ ये है कि आपने जब भी अपने डिज़ाइन अपलोड करने हैं उससे पहले ज़रा सी इनकी डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो पढ़ लेनी है कि आपने साथ क्या क्या फाइल्स जो हैं वो अपलोड करनी है, ठीक। तो वो आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेनी है, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की, तीनों प्लेटफॉर्म्स की वो पढ़ें। जो मैं स्टिकर्स की बात कर रहा था वो भी इसी के अंदर हैं, कि स्टिकर्स भी आप लोग ये देखें, स्टिकर्स भी सेल आउट होते हैं और ये अच्छे खासे सेल आउट होते हैं। लोग अपने कवर्स के ऊपर लगवा लेते हैं, लोग वैसे परचेज़ कर लेते हैं कि भाई हम कहीं पर भी प्लेस कर देंगे, लगा देंगे। तो आपने देखा होगा कि आपको भी स्टिकर्स का किसी ना किसी को शौक़ होगा, स्टिकर्स कलेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं प्लेस कर देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप बड़ा आराम सुकून से जो है वो कर सकते हो। और दूसरा जो मज़े की बात ये होती है कि अगर आपको कुछ नहीं आता, लेट से अब जैसे हमने फॉन्ट्स की बात की थी कि फॉन्ट्स हम अपने किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो सिंपली हमें और कुछ भी नहीं करना, google.com का जो सर्च इंजन, हमारे पास इतना बड़ा सर्च इंजन है, यहाँ पर आए सिंपली, ठीक है, यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखें कि भाई जो है फॉन्ट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये देखें, एक आर्टिकल, एक दो आर्टिकल्स पढ़ें, आपको थोड़ी सी समझ लग जाएगी। आर्टिकल से नहीं समझ आती, यहाँ से आप ये वीडियो को एक देख लें, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। ये देखें, एक घंटे की वीडियो है, आई एम श्योर अगर हम ये एक घंटे की वीडियो देख लें तो हमें फॉन्ट्स बनाना जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो गूगल का सर्च इंजन आपके पास है, आप कुछ भी सर्च करें, आपको समझ लग जाएगी कि हाँ जी किस तरह से क्या चीज़ हो रही होती है, फॉन्ट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, क्या चीज़ किस तरह से हो रही होती है। तो आप अपने फॉन्ट्स अगर बनाना चाहें, आप अपने फॉन्ट्स बना सकते हैं बड़ा आसानी से, कोई इतना मुश्किल नहीं है फॉन्ट्स बनाना। आप सिर्फ 40 मिनट 45 मिनट की वीडियो देखें, आपको इजीली जो है वो बनानी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको स्टिकर्स क्रिएट करने हैं, हाउ टू मेक स्टिकर्स फॉर रेड बबल, ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर ये एक वीडियो आ गई जो सारा बता रहा है कि कितनी प्राइस हमें रखनी चाहिए, कैसे डिज़ाइन करने चाहिए और कैसे हम अपलोड करेंगे रेड बबल के ऊपर अपने स्टिकर्स। तो
17 मिनट हैं आज के दिन में, देख लें कल के दिन में देख लें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आज ही कर लें, फोन्स भी आज कर लें, ये भी आज कर लें, नहीं, ऐसा ऐसा कर लें, ग्रेजुअली ग्रो कर लें। पहले रेड बबल को थोड़ा सा समझ लें, यानी कि इसके ऊपर अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लें, कंप्लीट कर लें प्रोफाइल, साइन अप करना सेम प्रोसीजर है वही, अपना ईमेल वगैरह डालें, अपना नाम वगैरह दें, सारी इंफॉर्मेशन दें अपनी जो आप जो पहले से एक तरीका आ रहा है, जैसे ये देखें ईमेल, यूज़र नेम, ठीक है, उसके बाद अपना पासवर्ड सेट करें और साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद अपने प्रोफाइल सेटिंग में जाएं और अपनी प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट कर लें, यानी कि अपना एड्रेस की इंफॉर्मेशन, अपनी प्रोफाइल पिक्चर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो आप अपनी चीज़ें दें, प्रोफाइल कंप्लीट करें, ग्राफिक रिवर के ऊपर साइन अप करें, उसके ऊपर कंप्लीट करें प्रोफाइल, ठीक है, जो आपकी क्रिएटिव मार्केट है उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, उसको कंप्लीट करें, ठीक, बनाकर छोड़ दें डिज़ाइन वहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि कोई पहले दिन ही उसकी हमारी 100 सेल्स हो जाएंगी, 200 सेल्स हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बनाकर छोड़ दें, जब भी उसको कोई ख़रीदेगा आपको उसकी पेमेंट जो है ना वो मिलेगी। और दूसरा एक और जो यहाँ पर गेम खेली जाती है वो ये है कि आप ज़रा सा ट्रेंड को फॉलो करें और दूसरा देखें कि किस चीज़ का सीज़न आने वाला है। अब जैसे क्रिसमस का सीज़न आता है तो क्रिसमस के लिहाज से पोस्टर्स और क्रिसमस पार्टीज़ के जो फ्लायर्स, बैनर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी डिमांड में आ जाती हैं, तो तब आप थोड़ी सी वो पब्लिश कर दो उस ड्यूरेशन के अंदर। थोड़ा सा कोशिश करो कि नया से नया डिज़ाइन बनाकर पब्लिश कर दो। इसी तरह कोई और उनका इवेंट आता है, कुछ और आता है, ठीक है, न्यू ईयर आता है, ठीक, इस तरह से कुछ भी, यानी कि जो एक आप ऐसे कह लें थोड़ा सा पॉपुलर इवेंट आने वाला है, आप उसके ऊपर फटाफट से काम करके उसके ऊपर अच्छी खासी सेल्स जो है वो जनरेट कर लो। आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप चलें वो किसी और दिन बताऊंगा, जो एक दो और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हो। आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी कि ना आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की ज़रूरत है, ना आपको शिपमेंट करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट क्या होगा, आपको बस एक डोमेन अपनी लेनी है और उसको कहीं पर होस्ट करना है, दैट्स इट, और आपका काम चल पड़ेगा उससे, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों। सर ये शॉपिफाई वाला काम है जो आप बताने लगे हैं या बताना आपने? नहीं नहीं, शॉपिफाई का नहीं है, वो और चीजें हैं थोड़ी सी। शॉपिफाई का भी आइडिया दे दूंगा कल, लेकिन वो और है, वो बताऊंगा कल परसों, कल या परसों, अभी हैं हमारे पास 2 दिन हैं तो। लेकिन ये है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप अगर ना खुद ना भी करें तो कल को किसी को बता दें, हो सकता है आपसे सुनकर वो करने लग जाए, उसका भला हो जाए तो। लेकिन ये है कि हाँ, इन चीज़ों के ऊपर जब भी टाइम मिले थोड़ा सा बना कर कुछ डाल दें बस, ठीक है। क्योंकि आपने अगर एक डिज़ाइन बना कर इसके ऊपर डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, आपका फ़ायदा ही है, आपको उससे इनकम ही जनरेट होगी जब भी होगी। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि पायोनियर साथ लिंक हो जाता है, तीनों प्लेटफॉर्म्स के साथ पायोनियर लिंक होता है। आप चुप करके पायोनियर लिंक करें तीनों के साथ, जब भी आपकी पेमेंट आए आप चुप करके जो है हर मंथ की विड्रा करवा लो, एक इनकम का ज़रिया जो है आपका बढ़ सकता है, कि बिना कस्टमर के लिए काम किए आप जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा देखिएगा आप लोग, तीनों प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है। इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें कि क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ आप लोगों ने अपलोड करनी होती है साथ, और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर मेरे से आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। आपके डिज़ाइन इसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर बिकते हैं, ये देखें आपके डिज़ाइन हैं सारे, ये जो बिक रहे हैं वाटर बॉटल्स के ऊपर एंड हर चीज़ के ऊपर, आपको इसके ऊपर कट मिलेगा, आपको इसके ऊपर कमीशन मिलेगा, ठीक है जी सर। जी सर इंशाल्लाह बनाएंगे। तो इन तीन प्लेटफॉर्म्स को देख लीजिएगा, रेड बबल है आपके पास क्रिएटिव मार्केट है, ठीक है, एंड देन आपके पास जो है ग्राफिक रिवर है। आप ये तीन प्लेटफॉर्म्स देख लें और तीनों के ऊपर साइन अप कर लें, कोई चार्जेस नहीं है साइन अप करने के, एक साइन अप करें आप इसके ऊपर और जब भी टाइम मिले
कुछ ना कुछ बनाएं और इन पर डाल दें, अपलोड कर दें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा के साथ। जी जी सर, हम जो एक डिज़ाइन तैयार करते हैं वो तीनों प्लेटफॉर्म पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो। मतलब एक जो सेम डिज़ाइन होगा उसको तीनों पे हम लोग अपलोड कर दें? कर सकते हो, कर सकते हो। जो आप फ्लायर, लोगो, पोस्टर, बैनर, वेब क्या कहते हैं कि बिजनेस कार्ड वगैरह बनाओगे, वो तो डेफिनेटली क्रिएटिव मार्केट और ग्राफिक रिवर इन दो पर अपलोड करोगे आप, वो यहाँ पर अपलोड नहीं करोगे। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आपका डिज़ाइन किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगना होता है, तो डेफिनेटली बिजनेस कार्ड तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर लग के नहीं बिकेगा ना। बिल्कुल सर। सर यहाँ पे ये टी शर्ट डिजाइन वगैरह, डिजाइनिंग से रिलेटेड सब यहाँ पे कर सकते हैं अपलोड? हाँ जी, डिजाइनिंग से रिलेटेड, यानी कि ऐसा डिजाइन जो किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर आना है। अब वो प्रोडक्ट मास्क हो सकता है, यहाँ पर देखे ना कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, गिफ्ट्स हैं, ठीक है, स्टेशनरी के ऊपर है, ठीक है, पोस्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, बच्चों के हैं कुछ, यहाँ पर देखें बेबी टी शर्ट्स हैं, ये देखें बच्चों की शर्ट्स के ऊपर आपके डिजाइन ये जा रहे हैं, ठीक है, ये कैट, ये देखें ये। अगर किसी को इलस्ट्रेशंस का शौक है, इलस्ट्रेशंस करना चाह रहा है, चाह रही है, बड़ा अच्छा मौका है, इलस्ट्रेशंस करें अपनी, सीखें भी सही साथ साथ, और साथ साथ उन इलस्ट्रेशंस को टी शर्ट्स के ऊपर, बच्चों की टी शर्ट्स के ऊपर लगाएं, या बच्चों की टी शर्ट्स के लिए अपने डिज़ाइन यहाँ पर अपलोड करें। जब भी कोई वो डिज़ाइन खरीदेगा, उसको कोई डिज़ाइन पसंद आता है, तो डेफिनेटली आपको कट मिलेगा उसके अंदर। अब ये देखें, ये सारे बच्चों ने किसी ना किसी ने जो है वो, ये हिलरी वाइट हैं कोई, इन्होंने जो है वो डिज़ाइन अपना, ये देखें डिज़ाइन, ये देखें, अब 2012 से ये काम कर रहे हैं ये आर्टिस्ट जो हैं, और इनके 532 डिज़ाइन इन्होंने करके छोड़े हुए हैं, ये देखें अब करके छोड़े हुए हैं। जब भी कोई परचेज करेगा इनको कट मिलेगा उसके अंदर, ये देखें, जब भी कोई परचेज करेगा, तो जब भी कोई परचेज करेगा इनको कट मिलेगा। क्लॉथिंग के अंदर है, स्टिकर्स इन्होंने बनाकर छोड़े हुए हैं, ये देखें, जब भी कोई परचेज करेगा इनको कमीशन मिलेगा, इनको कट मिलेगा उसके अंदर। जी सर, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर वक्त तो हम ऑनलाइन वगैरह नहीं आ सकते या ये काम नहीं कर सकते। वही, आप बस बनाकर छोड़ दें इनके ऊपर, और जब भी कोई इसको परचेज करेगा आपको कमीशन मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगा, और क्या नाम है अपना, नाम आ नहीं रहा माइंड में सर का, जहाँ से मुझे ये चीज़ पता चली थी इनका क्रिएटिव मार्केट और ग्राफिक रिवर वगैरह का, ई रोज़गार के ट्रेनर हैं वो भी, कराची के हैं, यूट्यूब का चैनल भी है उनका डिज़ाइन एकेडमी के नाम से, आप उनका चैनल, अरसलान साहब, तो उन्होंने अपना जो डैशबोर्ड है वो भी शेयर किया था। ये अरसलान साहब, इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, बहुत ही कमाल कमाल की चीज़ें और टिप्स एंड ट्रिक्स और सारी चीज़ें जो है वो लेकर आते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अब ये देखें, कॉरपोरेट फ्लायर जो है बनाया है, और लोगोज के हवाले से चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, 15-16 साल से काम कर रहे हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। तो इन्होंने अपना डैशबोर्ड भी शेयर किया था, ग्राफिक रिवर का आई थिंक, ठीक, और या पता नहीं किस तरह से, या ग्राफिक रिवर का था या क्रिएटिव मार्केट का था, और 2015 से या 14 से अब तक ऑलमोस्ट 30,000 या 35,000 डॉलर जो थे वो ये अर्न कर चुके थे वहाँ से। सिर्फ वहाँ पर क्या था, इनके डिज़ाइंस पड़े हुए थे, और वहाँ पर जो है इनके डिज़ाइंस पड़े हुए थे, और वहाँ से इनकम जो है वो जनरेट होकर आ रही थी। आई गेस यहाँ पर होगी कहीं पर, इसके अंदर ही है वीडियो कहीं पर इनकी, उसके अंदर ही अपना डैशबोर्ड ओपन करके दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि कितनी इनकम जो है वो बड़ा इजीली वहाँ से जनरेट हो सकती है। ठीक, तो
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी इनकम भी जनरेट हो जाती है। और अब देखिएगा इनकी वीडियो है, मैंने देखी थी इनकी वीडियो और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आप ज़रा इसके ऊपर काम करें। पैकेजिंग के हवाले से भी काफ़ी इनकी कुछ दो चार वीडियोस हैं। ये हैं इनकी क्रिएटिव मार्केट की और ये सारी, ये देखें, एक दो तीन चार पाँच, पाँच वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, यानी कि आप ऐसा समझो कि 50 मिनट। तो अगर आप 50 मिनट या घंटा कह लो, ठीक है, घंटा अगर आप इन्वेस्ट कर लो अच्छे से, साथ नोट्स बना लो छोटे छोटे कि किस तरह से मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना है और किन किन बातों को मैंने नोट डाउन करना है, वो कर लें आप अपने पास, और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर अपना सेल आउट करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद ये एक जो बोटैनिकल लोगो वाली सर्विस है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसके ऊपर अभी बहुत कम कंपटीशन है और ये सारा काम भी ट्रेसिंग का है, आप ज़रा इसको भी देखिएगा, बोटैनिकल लोगो वाली वीडियो को भी, ठीक है जी सर। अच्छा जी, तो ये तीन आपने प्लेटफॉर्म्स लाजमी देखने हैं, इनकी डॉक्यूमेंटेशंस देख लीजिएगा और बहुत ही कमाल का है और बहुत ही इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इसके ऊपर काम करके इनके ऊपर। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम की, आपको बार बार वो चीज़ डिज़ाइन नहीं करनी, बार बार वो आपको नहीं करना, आपको जस्ट वन टाइम करना है एंड दैट्स इट। फिर लोग आएंगे ख़रीदेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे, लोग आएंगे ख़रीदेंगे, आपको उस चीज़ के पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। जी